तो भाई फाइनली मंडे नाइट रॉ हो चुका खत्म, और भाई क्या आज अपने मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल चैंपियन बन पाए या नहीं, तो इसके बारे में दोस्तों हम आपसे थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग से, जो कि कोडी रोड से होती है। दोस्तों कोडी रोड रिंग में आते हैं, और दोस्तों इनका कहना है ना कि नाकामुरा को इन्होंने तो हरा दिया है, और इस वक्त ये यहाँ पर किसी वजह से खड़े हुए हैं, और वो है रॉयल नंबर, और मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तभी दोस्तों इनको इंटरफेयर करने के लिए वहाँ पर ड्रू मैकइंटायर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ड्रू मैकइंटायर पास्ट के बारे में आकर यहाँ पर बात करते हैं कि कोडी रोड से कैसे वो काफी टाइम पहले जब ये मिले थे ना 22-23 साल की उम्र में, तब वो एक साथ काम किया करते थे और टैग टीम चैंपियन भी थे। और मैकइंटायर दोस्तों क्राउड से ये भी कहते हैं कि आप इस बात को गूगल कर सकते हो, मतलब सर्च करके देख लो भाई, मैं सही बोल रहा हूँ। और उस पर दोस्तों कोडी रोड का कहना है ना कि हाँ हमारी टीम का नाम डैशिंग वंस था। और फिर दोस्तों मैकइंटायर का कहना है कि अब हम लोग काफी आगे आ चुके हैं, और जब हम लोग डब्ल्यू में अपना डेब्यू करने वाले थे ना, तब लास्ट मैच मेरा आपके साथ ही था, और आपने कोडी रोड मुझसे कहा था कि आप अपनी फैमिली में पहला वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, और आप सही थे, और मैं अब आपसे पहले अपनी स्टोरी को फिनिश करने वाला हूँ। तो भाई ड्रू मैकइंटायर तो माहिर है भाई पास्ट की चीजों को लिंक करने में। खैर दोस्तों उसके रिप्लाई में कोडी रोड का कहना है कि हम दोनों लोग रॉयल नंबर में है, और उसमें जे उसो और सीएम पंक भी होने वाले, और ये जरूर जीत सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि हम दोनों लोग ने रॉयल नंबर मैच को जीता हुआ है, और हमको किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए इसमें। तो भाई अब इस पर ड्रू मैकइंटायर का कहना है कि हाँ सही है, लेकिन आप एक मौका जरूर लेना चाहिए उनकी हालत खराब करने के लिए। और भाई फिर कोडी रोड का कहना है ना कि मुझे जब भी मौका मिला ना तो मैं उस पर खरा उतरा हूँ, लेकिन आप हमेशा शिकायत करते हुए आए हो। और फिर इसके बाद दोस्तों मैकइंटायर का कहना है कि आप जे उसो और सीएम पंक के बारे में बात कर रहे हो, और आपको भी कोडी रोड पता है कि सीएम पंक कैसा बंदा है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में मैकइंटायर का कहना है ना कि मैं आपसे पहले अपनी स्टोरी को फिनिश करने वाला हूँ रेसलमेनिया में। और इस पर दोस्तों कोडी रोड का रिप्लाई कुछ हट कर आता है, और इनका कहना है ना कि आप संभावनाओं को लेकर ज्यादा बात करते हो, और मेरे पास दो रास्ते हैं इस वक्त, अगर आप रॉयल नंबर में चीजें करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ, और अगर आप हमारे बीच लास्ट मैच के बारे में बात कर रहे हो ना तो मैं आपको याद दिला दूं उसमें मेरी जीत हुई थी। और फिर दोस्तों कोडी रोड वहां से चले जाते हैं, सेगमेंट वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई दिन पर दिन देखा जाए तो ड्रू मैकइंटायर का प्रोमो स्किल काफी बेटर होते जा रहा है, और अब देखते हैं ये दोनों लोग रॉयल नंबर में क्या धमाल मचाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको जेडी मैकडोन और डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डीआईवाई का मैच देखने को मिलता है। भाई इस वक्त डीआईवाई का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा चल रहा है, और मोमेंटम भी इनके पास काफी अच्छा बना हुआ है, तो मैच तो ये हारने वाले नहीं थे। काफी इजी भी यहाँ पर दोस्तों डीआईवाई को मिल जाती है जब चैंपा और जॉनी गर्गेनो मिलकर मैकडोन के ऊपर डबल नी मूव लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमको जजमेंट डे का सेगमेंट दिखाया था, भाई ये काफी फनी था, जहाँ पर भाई रिया रिपली का कहना है ना पहले कि अपनी चीजों पर अब ध्यान देने जा रही है। तभी दोस्तों वहां पर डेमियन प्रीस्ट भी आ जाते हैं, और उनका कहना है भाई कि आर्थ्रूस भाई जजमेंट डे की टी शर्ट बेच रहे हैं, और ये हम सबको अपना हिस्सा भी दे रहे हैं इसमें से, लेकिन इसमें जेडी मैकडॉन का नाम नहीं है, क्योंकि आर्थ्रूस के हिसाब से वो जजमेंट डे से बाहर हो चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों डेमियन प्रीस्ट इन बैलर से बोलते हैं कि भाई तुम अपने मैच पर फोकस करो। तो भाई आर्थ्रूस इस वक्त भाई काफी ज्यादा मनोरंजन कर रहे हैं हम सबका। उसके बाद दोस्तों शो पर आता है गुंथर का रिटर्न सेगमेंट। दोस्तों लुडविक काइजर गुंथर को इंट्रोड्यूस करते हैं, और दोस्तों गुंथर रिंग में आते हैं और माइक लेकर रॉयल नंबर को लेकर बात करते हैं कि कैसे काफी लोगों को इस मैच को जीतने की काफी जल्दी है, और मैं जब यहाँ पर नहीं था ना तो लोग इस चीज को लेकर बहस भी कर रहे थे कि रॉयल नंबर को जीतेंगे और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेंगे। उसके बाद दोस्तों गुंथर लास्ट ईयर रॉयल नंबर को भी लेकर बात करते हैं कि कैसे वो काफी करीब भी आ गए थे उसको जीतने के लिए, और वो रॉयल नंबर मैच के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा देर तक टिके भी रहे थे। और उसके बाद दोस्तों इनका कहना है ना कि इस बार इसको जीत कर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों लुडविक काइजर को लेकर बात करते हैं, जहां पर दोस्तों हमको लास्ट वीक लुडविक काइजर के कोफी किंगस्टन को इंजर करने वाली क्लिप दिखाई जाती है, और इस चीज पर भाई गुंथर काफी प्राउड फील कर रहे थे कि इनको इनका काम काफी पसंद आया, और भाई वो लुडविक काइजर को गले भी लगाते हैं। और इसी बीच दोस्तों हमको वहां पर जेवियर वुड्स का रिटर्न देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों जेवियर वुड रिंग में आकर वही लास्ट वीक कोफी के ऊपर अटैक को लेकर बात करते हैं, और भाई ये काफी गुस्से में भी लग रहे थे। और उसके बाद दोस्तों ये मैच के लिए भी चैलेंज करते हैं काइजर को, और फिर दोस्तों इनके बीच हमको ब्रॉल देखने को मिलता है, जहां पर भाई जेवियर वुड्स का पल्ला भारी रहता है। इसके बाद दोस्तों इनके बीच हमको सिंगल्स मैच देखने को मिलता है। दोस्तों शुरू में जेवियर वुड्स का दबदबा बना रहता है मैच में, और भाई ये मैच का ब्रॉल इसमें ज्यादा होता है। दोस्तों लास्ट में जेवियर वुड जब काइजर के ऊपर चेयर फेंकते हैं ना तो वो भाई वहां से हट जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद जेवियर वुड उनके ऊपर किक लगाने के बाद फिर से दोबारा से चेयर फेंक देते हैं, और भाई इस बार तो रेफरी देख लेता है, मैच को यहीं से एंड कर देता है, और काइजर की डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए जीत हो जाती है। लेकिन मैच के बाद तो भाई काफी बवाल मचता है इसमें, क्योंकि दोस्तों आज लगातार तीसरी बार हमको डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो में ब्लड देखने को मिला, और आज
तो जेवियर रूट्स के मुंह से ब्लड निकल रहा था। तो भाई मैच के बाद तो चेयर स्टील स्टम मतलब दोस्तों जिसको जो मिल रहा था ना वो उससे मार रहा था। और लास्ट में तो भाई काइजर की हालत खराब हो जाती है और ये फैंस के बीच से ही चले जाते हैं और रेफरी जेवियर रूट्स को रोक लेते हैं। तो भाई यार तो काफी बवाल मचा इनके बीच। और दोस्तों जब बैक स्टेज जेवियर को लेकर इंटरव्यू होता है ना तो भाई वहां पर भी आकर काइजर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इस बार दोस्तों जेउसो उनको आकर वहां से रोक देते हैं। भाई क्या यहां से हमको जेउसो का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलने वाला इनके बीच, ये तो आगे ही अब पता चलेगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, सेथ रॉलिंस वर्सेस जिंदर महल के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच के बारे में। तो भाई सबसे पहले वहां एंट्री होती है जिंदर महल की, और भाई ये आज अकेले नहीं थे बल्कि दोस्तों आज इनके साथ सांगा और वीर महान भी साथ में आए हुए थे। तो भाई यहीं से तो जिंदर महल के चांसेस बढ़ गए थे जीतने के। उसके बाद दोस्तों वहां पर सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, और दोस्तों ये मैच बहुत लंबा नहीं चलता है लेकिन मैच शुरू से ही काफी अच्छे पेस पर शुरू होता है। बल्कि दोस्तों मैच के बीच डेमियन प्रीस्ट भी वहां आ जाते हैं, भाई सेथ रॉलिंस की तो फिर हालत खराब हो जाती है। बल्कि दोस्तों मैच में सेथ रॉलिंस की तरफ से पेडिग्री भी आता है, लेकिन दोस्तों इंदर शेर की वजह से जिंदर महल का लेग वो रोप पर रख देते हैं और पिन ब्रेक हो जाता है। और भाई एक मोमेंट तो ऐसा आता है ना जब दोस्तों डेमियन प्रीस्ट कैशिंग का मूड बनाते ही है, तभी दोस्तों वहां पर ड्रू मैकइंटायर आ जाते हैं और ये दोनों लोग भाई आपस में ही लड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। और इसी पर दोस्तों रेफरी का ध्यान भटक जाता है और पीछे तो दोस्तों सांगा ब्रीफकेस से सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, और फिर दोस्तों जिंदर महल खल्लास लगा देते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर। और भाई वहां पर तो ऐसा लगा कि गई चैंपियनशिप भाई, लेकिन पता नहीं कहां से सेथ रॉलिंस उस पर किक आउट कर देते हैं और भाई ये काफी क्लोज फॉल था। उसके बाद तो दोस्तों फिर से वीर महान और सांगा प्रॉन पर चढ़कर रेफरी से बहस करने लग जाते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार रेफरी उनको वहां से बैक स्टेज एरिया भेज देते हैं। और सेथ रॉलिंस वापसी करते हुए जिंदर महल के ऊपर कर्व स्टॉर्म लगा के पिन करके अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन कर लेते हैं। तो भाई फाइनली सेथ रॉलिंस ने आज फिर से खुद को प्रूव कर दिया है कि आखिर क्यों इनको एक फाइटिंग चैंपियन बोला जाता है। तो भाई फिर से यार सपना टूट गया है जिंदर महल का। और दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी बड़ी चीज को भी अनाउंस की है, कोडी रोड फेस टू फेस जाएंगे सीएम बनके, और ड्रू मैकइंटायर और डेमियन प्रीस्ट का मैच भी है। और भाई ये एपिसोड जो होने वाला ना ये रॉयल नंबर से पहले का है, तो उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तो जरूर होगा वहाँ पे। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा था आज का मंडे नाइट रॉ हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे।